कोरोना वायरस का कहर भारत में लगातार फैल रहा है। देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात स्वीकारी जा रही है। इसी बीच इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी का दावा है कि भारत में अब तक करीब 38 करोड़ लोग इस वायरस से प्रभावित हो चुके हैं और अब देश हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज में पहुंच चुका है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत में कोरोना वायरस को लेकर एक स्टडी पब्लिश की है जिसमें SAIR मॉडल के तहत अध्ययन किया गया है। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट यानी मरीजों के बढ़ने की रफ्तार लगातार घट रही है। पिछले 5 दिन में ये 6.37% से घटकर 3.82% पर पहुंच गई है। इस बीच 62 दिन बाद एक बार फिर से एक्टिव केस 7 लाख से कम हो गए हैं। अब तक 77,59,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं संक्रमण के चलते 1,17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को कोरोना की वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की इजाजत दे दी है। गहन चर्चा और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर समिति ने तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति दी है। बता दें कि भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है जो कोवैक्सीन नाम से कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही है। भारत बायोटेक वैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कर रही है। IIT बॉम्बे के ताजा रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि फेस मास्क के जरिए कोविड कफ क्लाउड्स पर 7 से लेकर 23 गुना तक नियंत्रण किया जा सकता है। मास्क इस वजह से ही वायरस के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण सोशल वैक्सीन है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,18,00,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं 3,10,00,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 11,40,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन के साथ अपनी अंतिम बहस में कहा कि कोरोना की वैक्सीन तैयार है और कुछ ही हफ्तों में यह अमेरिका के लोगों को उपलब्ध हो जाएगी।